सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपने दौरे पर तकनीक के सहारे सीएम ऑफिस का कामकाज निपटाते नजर आएंगे। सीएम के डेस्कटॉप और आईपैड को ई ऑफिस से जोड़कर इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि सीएम अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ यूपी पर भी पैनी नजर रख सके। परियोजनाओं के निष्पादन, शिकायतों के निस्तारण, मंत्रियों के कार्यक्रम पर भी हर पल नजर बनाए रखेंगे। अभी तक सीएम योगी दर्पण ऐप के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकप्रियता के मामले में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहीं आगे निकल चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक नया विशेषण जुड़ने वाला है, वो है टेक्नो सेवी मुख्यमंत्री का। अपनी कार्यक्षमता को और बढ़ाने और प्रदेश पर नजर और पैनी करने के लिए योगी आदित्यनाथ अब अपने आईपैड पर ई ऑफिस के जरिए कामकाज निपटाते नजर आएंगे। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, पर अब उनकी इच्छा के अनुरूप इसे और विस्तार दिया जा रहा है जिससे इसे ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नया रूप इन दिनों चर्चा में है। इसमें चार्टर्ड प्लेन में बैठे योगी अपने आईपैड से जानकारी देख रहे हैं। बुधवार से शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो की तैयारी बैठक में भी सीएम योगी आईपैड का इस्तेमाल करते नजर आए, तो वहीं गंगा यात्रा के दौरान अपने भाषण को त्रुटि रहित करने के लिए आईपैड पर ही पॉइंट्स देखते दिखे। दरअसल देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब ई ऑफिस के जरिए पूरे प्रदेश पर नजर रखेंगे। योगी अपनी सरकार की कार्यक्षमता में इजाफा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करते दिखेंगे। अपने तूफानी दौरों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले योगी अब दौरे पर रहते हुए भी जरूरी फाइल देख सकेंगे। उनके लिए नया डेस्कटॉप और आईपैड मंगा लिया गया है और ई ऑफिस को पूरी तरह उससे जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग तो करते ही हैं, लेकिन ई ऑफिस बनने के बाद विभागीय बैठकें, नोटिस, मंत्रियों के कार्यक्रम की भी जानकारी ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्तमान में 95 विभाग और 455 अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं, साथ ही इसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सीएम का आईपैड और डेस्कटॉप ई ऑफिस से जुड़ने से पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही तय की जा सकेगी। लोगों को ये भ्रम की बात जरूर रही होगी कि एक सन्यासी हैं तो उनके उनको जानकारी बहुत सी चीज़ों की नहीं हो पाती, पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तमाम से जो ट्विटर पे, फेसबुक पर या लोगों के फीडबैक कैसे आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उसको देखते रहे हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर आम व्यक्ति से कनेक्शन की बात है कि अगर कोई एक आम व्यक्ति है वो सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकता है और मुख्यमंत्री उसकी पूरी फाइलों कैसे देख रहे हैं इसके मद्देनज़र उन्होंने खुद चीज़ों को अब देखना शुरू किया है और दर्पण जो ऐप है उसके ज़रिए और आईपैड पे उसको खुद को कनेक्ट करके कैसे आम व्यक्ति की मदद हो पाए, उसको राहत मिल पाए, उसके मामले में कार्रवाई हो पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी अब खुद टैक्स सेवी हो गए हैं, खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती 16 महीनों में ही 75 जिलों का दौरा कर लिया था। आज भी उनके दौरे जारी हैं। इसके अलावा योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, इसलिए अपनी पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए सघन दौरे भी करते हैं। वर्तमान में जरूरी फैसलों की स्वीकृति के लिए फोन या ईमेल से उनसे संपर्क किया जाता है और उनके लौटने पर उसका अप्रूवल लिया जाता है, पर अब उनके आईपैड से ई ऑफिस का पूरा सिस्टम जोड़ दिया जाएगा जिससे योगी जहां कहीं भी हो वहीं से वो पत्रावलियों का निस्तारण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री का नया टेक्नो सेवी रुख खासतौर पर जल्द शुरू होने वाले उनके औचक निरीक्षणों में भी काम आएगा, जब योगी दौरे पर किसी क्षेत्र विशेष की प्रगति रिपोर्ट अपने आईपैड पर ही जांच लेंगे। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव बनेगा। सीएम के डेस्कटॉप और आईपैड का ई ऑफिस से जोड़ना लाल फीताशाही पर भी अंकुश लगाएगा। अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देने वाले योगी के निर्देश पर 50 करोड़ या अधिक की योजनाओं की जानकारी को भी दर्पण डैशबोर्ड से जोड़ा जा रहा है। यूपी एक बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की यहाँ पे आबादी है और इसका अगर मॉनिटरिंग करनी है और इसकी कंट्रोलिंग करनी है तो बगैर टेक्नोलॉजी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आजकल तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने इतने आपके पास इक्विपमेंट्स और एप्लीकेशंस आ गए हैं, विशेषकर ऐप्स एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे कि आप अपने लैपटॉप से जुड़े रहते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से या आईफोन से आप जुड़े रहते हैं, तो उनका अगर आप तकनीक का सहारा लेंगे तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और हमें बड़ी खुशी हो रही कि हमारे जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं वो टेक्नोलॉजी के सहारे आ गए हैं और वो काफ़ी उसका उपयोग भी कर रहे हैं।
यूपी के गेरुआधारी सन्यासी सीएम अक्सर अपने भाषण और तेवर ही नहीं अपने त्वरित फैसलों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। उनका ये कदम कर्मयोगी मुख्यमंत्री के लिए जनता से जुड़ने और स्मार्ट और क्विक गवर्नेंस की दिशा में एक नई पहल साबित होगी। कैमरामैन शमीम के साथ शिल्पी सेन, सारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।